हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम एंड फीस से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कि यहाँ पे बोला गया है और वो चीज़ क्या है तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम जिनके होने वाले हैं उनका ऑनलाइन जिनका फ़ीस बाकी था उनके लिए है, और इधर डेट भी आप लोग को दी गई है जहाँ पे आपको फ़ीस पे कर देनी है। देन दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल वे में एग्ज़ाम वगैरह हो सकते हैं एंड इस तरीके से ऑनलाइन फ़ीस पे वगैरह करने के लिए बोल दिया गया है। अब कौन कौन से स्ट्रीम है जिनको ये चाहिए, तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जिनको केटी है, जैसे कि एमकॉम के बच्चे हैं तो उनको सेम थ्री में सपोज़ केटी था या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एनीथिंग, तो उस वहाँ पे वो बच्चों के लिए है जिनको केटी था। ओके, तो अभी यहाँ पे कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ टू में कौन कौन से लोग आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से दिया गया है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको केटी था। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है और क्या पढ़ना है आप लोग को। यहाँ पे एवरीथिंग दिया गया, हर एक फील्ड का दिया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीकॉम एमकॉम वालों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए, तो जितने भी हैं सबके लिए यहाँ पे बोला गया है। और TYBSC से लेके पूरा आप देख सकते हैं। ओके, तो इधर पूरा अच्छे से बोला गया है। देन बीकॉम में भी आप लोग को बता दिया गया है बीकॉम का जिनको केटी था, देन एमए का, ओके, देन बीएड का, टीवाई बीए का भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिनको केटी था उनके लिए यहाँ पे स्पेशली दिया गया है, और उनको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। और वो किस पोर्टल में आप जाके करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार मराठी में पढ़ के दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागाचे संचालक प्रमुख व संलग्नित संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य मान्यता प्राप्त संस्थाचे संचालक प्रमुख दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक निसंचालन विद्यापीठाच्या रत्नागिरी ठाणे कल्याण उपकेंद्राचे समन्वयक व सहायक कुल सचिव यांना परिपत्रकाद्वारे सूचित करण्यात येते की शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मधील उन्हाळी सत्रमध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे परिशिष्ट A2 परीक्षाची यादी सोबत जोडली आहे। परीक्षा प्रवेश अर्ज विहित फीसह MKCL या अभिकरणामार्फत डिजिटल युनिव्हर्सिटी पोर्टल वरून ऑनलाइन घेण्यात येणार आहे। मतलब की यहाँ पे आप लोग का फीस ऑनलाइन लिया जाएगा एंड ऑनलाइन ही आपको फीस देना है, और ये फॉर्म है जो आपको भरना है एग्ज़ाम से रिलेटेड। सदर परीक्षिष्ट A2 मधील, अब देखो यहाँ पे ना थाने का भी दिया गया है। ओके, रत्नागिरी ठाणे कल्याण, तो जो भी कुल सचिव वगैरह थे इन सबको लेटर के द्वारा बोल दिया गया है। देन यहाँ पे लिखा है कि A2 मध्ये नमूद केलेल्या अभ्यासक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज डिजिटल युनिव्हर्सिटी पोर्टलवरून ऑनलाइन स्वीकारण्याच्या तारखांच्या तपशील खालील प्रमाणे आहे। मतलब की ऑनलाइन आप देख सकते हो अर्ज भरण्याची इन्वर्ट करण्याची तारीख है, यहाँ पे आप लोग को भरना है। देन परीक्षा शुल्क भरण्याची, मतलब की पहले तो आपको अर्ज है कि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसका है ये डेट लिखी गई है, तो आपको फॉर्म फिलअप करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क, मतलब कि आपको आपको फीस भरनी पड़ेगी, तो वो कितने बजे है, कितने बजे से चालू होगा, वो सब यहाँ पर दिया गया है। तरी वर नमूद केलेल्या तारखाच्या तपशीलाप्रमाणे आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम सत्र निहाय परीक्षा प्रवेश अर्ज परीक्षा अर्ज भरून घेण्यापासून ते परीक्षा शुल्क भरण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया डिजिटल युनिव्हर्सिटी पोर्टल वर पूर्ण करून त्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तपशीलाचे व्रतप्रत एग्जाम फॉर्म सबमिशन रिपोर्टवर परीक्षा शुल्क भरल्याची पावती परीक्षा विभागात वरील तारखाप्रमाणे हस्तपोच जमा करण्यात यावी। मतलब की यहाँ पे पूरा साइन वे करके ये सब करना है। देन यहाँ पे लिंक आपको दिया गया है कि 5 बजे के बाद फिर बंद हो जाएगा लिंक। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को मैंने बता दिया है,
और एक यहाँ पे चीज़ है जो कि सोबत जोड़लेला परिशिष्ट और टू मधील परीक्षा क्रमांक यहाँ पे नंबर दिए गए हैं परीक्षेकरिता बसणाऱ्या जे विद्यार्थी प्रथमच मतलब कि जो बच्चे फ्रेशर हैं ही परीक्षा देत असतील मतलब कि वो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं त्यांनी या परिशिष्टानुसार मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी डॉट अकाउंट या संकेत स्थळावर परीक्षा अर्ज भरावेत मतलब कि यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है क्योंकि आप एग्ज़ाम लेना चाहते हो। इसलिए देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों को देना रहेगा तो यहाँ पे जिनको देना है उनके लिए है। देन वह जे विद्यार्थी ही पुनर्परीक्षा मतलब जो रिपीटेड है मतलब जिनको केटी लगी थी एंड अगेन वो दे रहे हैं उनके लिए है। या संकेत स्थळावर परीक्षा प्रवेश अर्ज महाविद्यालय मार्फत भरावेत तो इस तरीके से आपको भर देना है फॉर्म वगैरह। और तो यहाँ पे आप लोग को 23 जून 2020 को ये नोटिस आई थी तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है वो ये है कि परिशिष्ट अ2 अब अ2 में जितने भी लोग आते हैं उन सबको ये एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी रिपीटेड लोगों के लिए ज़्यादा है यहाँ पे और जिनको केटी है उनके लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टी वाई बीएससी है बीएससी है एमएससी है ऐसे बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं ये सभी लोगों के लिए है। और टी वाई बीएससी एमएससी देन यहाँ पे आप सिविल इंजीनियर भी है यहाँ पे ओके देन एमकॉम के भी हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 का भी है यहाँ पे और सेम 4 का भी है देन बीकॉम जिनको केटी थी तो वो लोग देंगे ओके यहाँ पे लिखा हुआ है 2015 या फिर 2018 देन बीएमएस भी है बीएमएस एमकॉम 1 एंड एमकॉम सेम 3 भी है यहाँ पे ओके तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें जो फैकल्टीज़ हैं उन सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। देन बीए के बच्चे जो हैं उनके लिए भी है और TYBA आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से बच्चों के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो नोटिस थी जो तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ ओके तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।